हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू सॉरी वेलकम टू माय किचन। तो आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं मैंने पुलाव नहीं खाया है, तो फिर मैं सोच रही हूँ आज सर्व कर एकदम मस्त मस्त वाला पुलाव बनाऊँ। इसके लिए मैंने आलू ऐसे काट के रख दिए हैं, टमाटर भी ऐसे, मिर्च ना, ऑयल तो जल ही गया है ब्लॉगिंग की चक्कर से ना, सब जल जुल। सबसे पहले मैं डालूँगी टमाटर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद आना फास थोड़ा सा नहीं। आज के लिए काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ तो शायद काफ़ी टेस्टी लगेगा मुझे। चावल के आलू बस उसको डाल दें, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और पकने में 5 मिनट, मतलब टोटल 10 मिनट में ही बन जाएगा। तो न्यूट्री डालना भूल गई मैं, क्या होगा, मैं न्यूट्री डालना भूल गई बिना भून के। अब देखती हूँ कैसा होता है ये वाला, थोड़ा सा बिना न्यूट्री के मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी ट्राई करते हैं क्या पता अच्छा हो जाए। अब सिर्फ 6 न्यूट्रीमेंट डाली है, अगर अच्छा हुआ तो फिर मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने ज़्यादा क्यों नहीं डाला। अब तो ये अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने खा बनाते हुए टाइम बोल दिया कि अच्छा होगा, तो अच्छा ही होना है। ट्रेन ट्रेन मिलते पक गए बट सीटी नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो गया है। चीज खुद की तारीफ कोई दूसरा तो है नहीं, बुरा ही करेगा। अरे यार ये चीज बहुत गंदी लगती है मुझे, जब ये गिर जाता है ना। ये बना है पुलाव, ऐसे आलू पूरे छिलके वाले आलू खाना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं हर चीज में ऐसे छिलका डाल देती हूँ। अचार, ये अचार है आंवले का अचार, ये मेरे पापा ने बनाया है, तो ये बहुत टेस्टी होता है। मस्त हो रहा है। न्यूट्री डालना वाज अ गुड आइडिया। तो ये रहा मेरा खाना, एक तो मैंने काफ़ी दिन बाद खा रही हूँ तो फिर मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा ही होगा। तो लगी है भूख लगी है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, तो अब मैं खाती हूँ। तो गाइस टेस्टी हो रहा है और अब मैं खाती हूँ। तो ये व्लॉग करती हूँ यहीं समाप्त और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।